हिंडनबर्ग, ये नाम पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन 24 जनवरी को एक रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद ये नाम काफी ज्यादा फेमस हो चुका है। हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट से अडानी ग्रुप के शेयर के प्राइसेस गिरते जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पे ऐसे कौन से एलिगेशन लगाए जिससे अडानी ग्रुप के शेयर के प्राइसेस गिरते जा रहे हैं। ये हिंडनबर्ग रिसर्च है क्या, इस रिपोर्ट से इन्हें क्या फायदा होगा, सब क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ये हिंडनबर्ग रिसर्च है क्या, इसे जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। 1937 में हिंडनबर्ग नाम का हाइड्रोजन पावर्ड जर्मन एयरशिप PLZ-129 US में न्यू जर्सी में फ्लाई होते हुए क्रैश हो गया, जिसमें 35 लोगों की जान गई और ये एक मैन मेड डिजास्टर था, जहां यूनिवर्स का सबसे कम्बस्टेबल गैस से भरा बलून 100 लोगों को कैरी कर रहा था। इस क्रैश के पहले 10 से भी ज्यादा हाइड्रोजन बेस्ड एयरशिप क्रैश हो चुके थे। ये पता होने के बावजूद भी हिंडनबर्ग को फ्लाई करने की परमिशन दी गई। इस क्रैश को देखते हुए नेथन एंडरसन ने अपनी कंपनी का नाम हिंडनबर्ग रख लिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नेथन एंडरसन हिंडनबर्ग के फाउंडर है। हिंडनबर्ग कंपनी शेयर मार्केट, इक्विटी और क्रेडिट पर रिसर्च करके ये पता लगाती है कि कहीं शेयर मार्केट में फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, कहीं कंपनी प्रॉफिट के लिए अपने अकाउंट में मिसमैनेजमेंट तो नहीं कर रही है। इसी तरह रिसर्च करके कंपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करती है, जैसे कि अभी अडानी ग्रुप पर की है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने 30 से भी ज्यादा कंपनीज को कंगाल कर चुकी है। 2022 में इलेक्ट्रिक ट्रक बनाने वाली निकोला कंपनी के शेयर के प्राइसेस काफी तेजी से बढ़ रहे थे। तभी सितंबर में हिंडनबर्ग ने निकोला कंपनी के ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। इसके बाद निकोला कंपनी के शेयर के प्राइसेस 80% तक के गिर गए। हिंडनबर्ग रिसर्च के साथ साथ एक कंपनी है जो शॉर्ट सेलिंग पे इन्वेस्ट करती है, जिससे इनका प्रॉफिट जनरेट होता है। ये शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, हर्षद मेहता की ये वीडियो देखिए। जो शेयर है ही नहीं, मैं उसे बेच कैसे दूं? उसे शॉर्ट करना बोलते हैं। बोलते होंगे, करते कैसे हैं? अरे शेयर तेरे पास नहीं है, पर जिस ब्रोकर के पास तेरा ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, उसके पास बहुत सारे शेयर होते हैं। समझ, आज रिलायंस के शेयर का भाव 100 रुपए है, तुझे लगा कि शायद वो नीचे भी जा सकता है। तूने ब्रोकर को बोला कि तेरे लिए 10 शेयर 100 रुपए के भाव से बेच दे, उसने 100 रुपए के भाव से 10 शेयर बेच दिए, तो उसके पास कितना पैसा मिला? 1000। तो वो 1000 मेरे हो गए? अरे अभी नहीं, पैसा ऐसे नहीं मिलेगा। पहले जो शेयर बेचा है वो वापस खरीद के देना पड़ेगा ना। और ये सेटलमेंट के लिए शेयर मार्केट में 14 दिन का साइकिल चलता है। अब इस 14 दिन में शेयर का भाव कभी ऊपर कभी नीचे सब हो सकता है, 110, 120, 80, 90, कुछ भी। जिस दिन शेयर का भाव 80 होगा, तूने अगर ब्रोकर को बोला कि मेरे लिए 10 शेयर खरीद लो, तो उसने वो 10 शेयर कितने में खरीदे? 800। इसे बोलते हैं ट्रांजेक्शन स्क्वायर ऑफ करना। 1000 में बेचा, 800 में खरीदा, प्रॉफिट कितना हुआ? 200। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश की, हाउ द वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉर्न इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। ये रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद अडानी ग्रुप के शेयर के प्राइसेस गिरते जा रहे हैं। हिंडनबर्ग ने करोड़ों रुपए खर्च करके ये रिपोर्ट पब्लिश की है। इस रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के ऊपर 5 एलिगेशन लगाए हैं। एलिगेशन नंबर 1, अडानी ग्रुप की कंपनियों ने शेयर की प्राइस में मैनिपुलेट किया और अकाउंटिंग में फ्रॉड किया है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अडानी ग्रुप के 7 लिस्टेड कंपनियों के शेयर के प्राइसेस काफी ज्यादा है, जिसके मुताबिक अडानी टोटल गैस के शेयर के प्राइस 3 साल में 2121% तक के बढ़ाए गए हैं। अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर के प्राइस 3 साल में 1358% तक के बढ़ गए हैं और दूसरी कंपनी के शेयर के प्राइसेस 3 साल में काफी हद तक के बढ़ गए हैं। एलिगेशन नंबर 2, अडानी ग्रुप ने फॉरेन में कई बेनामी कंपनी बनाकर अपना टैक्स बचाया है। अडानी ग्रुप ने इंडिया के बाहर कई शेल कंपनी बनाई है जो कि अडानी ग्रुप की कंपनी में शेयर ओन करती है। ऐसा करना सेबी रूल के खिलाफ है। एलिगेशन नंबर 3, मॉरिशस और कैरेबियन आइलैंड जैसे टैक्स हेवन कंट्री में कई शेल कंपनी अडानी ग्रुप की कंपनी में इन्वेस्ट करती है। गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी की इंडिया से बाहर मॉरिशस में 38 शेल कंपनी है। हिंडनबर्ग की रिसर्च कहती है कि 38 शेल कंपनी का डोमेन सेम डे पर ही खरीदा गया है और सब कंपनी का टेम्पलेट भी सेम है। एलिगेशन नंबर 4, अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों पर काफी ज्यादा कर्ज है। अडानी ग्रुप के 7 में से 5 लिस्टेड कंपनी का करंट रेशो 1.0% से कम है। इसका मतलब ये है इन कंपनियों के करंट असेट्स उनके लायबिलिटीज यानी कर्ज से ज्यादा है। एलिगेशन नंबर 5, अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर के प्राइस 85% तक के ज्यादा बताए गए हैं। रिपोर्ट में इसका एग्जांपल भी दिया गया है, जैसे कि अडानी ग्रीन एनर्जी इंडस्ट्री की एवरेज ग्रोथ 24 गुना रही, जबकि अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर में 815 गुना का इजाफा हुआ है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि अडानी टोटल गैस के शेयर 831 गुना बढ़े हैं, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज ग्रोथ सिर्फ 20 गुना है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप से 88 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन अडानी ग्रुप ने ये रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने बोला, हिंडनबर्ग ने हमसे कोई डाटा नहीं मांगा और ये लोग खुद से मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। इंडियन हाईकोर्ट ने भी इस रिपोर्ट को पहले ही रिजेक्ट कर दिया था और अडानी ग्रुप इन पर लीगल एक्शन लेने वाला है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के ऊपर अडानी ने 413 पेजेस का रिप्लाई दिया है। हिंडनबर्ग और अडानी ग्रुप की रिपोर्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाए गए एलिगेशन क्या बिल्कुल सही है, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।